स्वागत है आप सभी का नए मौसम की नई रंगोली में। मैं हूं विशाल मेनन और मैं हूं नेहा गार्गवा। अब भाई सीजन चाहे जो भी हो, रीजन तो एक ही है ना, आपका मनोरंजन। जी हाँ, और जहां म से मनोरंजन है और म से मॉर्निंग है, वाह, तो वहां म से महेंद्र कपूर जी से शुरुआत करते हैं। क्या बात है। साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जैसे तुम वही संग मरमर की तस्वीर हो, तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। से मॉर्निंग की शुरुआत तो हो ही चुकी है इस प्यारे से मौसम में। जी हाँ, तो क्यों ना आप शाम गुजारी जाए इन पेरिस। ओ, आपका मतलब है वो 1967 फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। हाँ वही। अच्छा। यार विशाल, मैं सोचती हूँ पुराने जमाने में एक अकेले इंसान के लिए विदेश ट्रैवल करना कितना महंगा और मुश्किल होता था, तो फिर उस जमाने में एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए एक फिल्म को शूट करना कितना चैलेंजिंग होता होगा। कास्ट, क्रू, इक्विपमेंट, अरेंजमेंट, होटल, शूटिंग, कितना कुछ। अब जब आपने ये सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो भी इस फिल्म के बारे में एक चटपटी बात बताता हूँ। बताओ बताओ। हाँ, हुआ यूं था कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये फॉरेन में शूट हो रही थी, तो डायरेक्टर साहब ने ये फैसला किया कि वो अपने साथ सिर्फ 10 लोगों को लेकर जाएंगे। सिर्फ 10 लोग?
अरे पर एक आम शूटिंग के लिए भी सेट्स पर कम से कम 40-50 लोगों की यूनिट तो लगती है, तो फिर शूटिंग वो भी एक फिल्म की सिर्फ 10 लोगों के साथ, मतलब सोचिए। इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे ना तो बहुत से ऐसे गानों में आपको जो नॉन कैमरा स्टाफ हैं जैसे कि हेयर ड्रेसर वो भी दिखाई देंगे। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल अब इंतजार नहीं हो रहा। चलो गुजारते हैं एन इवनिंग इन पेरिस। नेहा यार कुछ गाने ना एकदम एपिक होते हैं, है ना विशाल? एपिक मतलब कोई सिचुएशन के लिए बेस्ट गाना वही होगा। जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूं, जैसे तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है, तो क्या गाओगी? आज मेरे यार की शादी है, आज एपिक गाना। हाँ, अब तुम लोग मुझे एक सिचुएशन। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखा दे दिया? दोस्त दोस्त ना रहा। एपिक है ना? समझ गई। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आपको किसी से प्यार है, तो आप कौन सा गाना बोलेंगे? तेरा मेरा प्यार अमर। लौटते हैं ये गाना सुनकर। नेहा क्या मजेदार गाने सुना रही हो यार। हाँ, मुझे शशि कपूर जी की याद आ गई। मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, है ना? वैसे वो क्या टाइम था ना जब फैंस ये बड़े बड़े पोस्टर्स कलेक्ट करते थे और सेट के बाहर जाकर के ऑटोग्राफ के लिए खड़े होते थे। बिल्कुल। उस जमाने में तो फैन बनना भी कितनी मुश्किल का काम हुआ करता था। कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना ट्विटर। हर चीज कितनी कीमती होती थी उनके लिए। बिल्कुल, और वो भी हम जैसे आम आदमी के लिए जिनको एक ऑटोग्राफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम ही क्यों, शशि कपूर जी की फैन तो शबाना आजमी भी रही है। तुम्हें पता है उनके करियर की शुरुआत से पहले शबाना आजमी अपनी पॉकेट मनी बचाया करती थी ताकि वो पृथ्वी थिएटर जाकर टिकट खरीद सके और वहां जब शशि कपूर साहब आए तो उनका ऑटोग्राफ ले सके। क्या बात है। लेकिन शबाना आजमी जी और शशि कपूर साहब एक साथ काम कर चुके हैं ना? बिल्कुल, किस्मत क्या रंग लाई देखो। शबाना आजमी को शशि कपूर के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला। क्या बात है। तो एक काम करते हैं, ये मजेदार गाना सुनते हैं फकीरा फिल्म का जो गाया है लता मंगेशकर। नेहा पेट नहीं भरा। अरे क्यों? क्योंकि शशि कपूर साहब गाना नहीं गा रहे थे ना। तो ऐसा करते हैं, डबल धमाल करते हैं। क्या बात है? अब ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें न सिर्फ शशि कपूर साहब गाना गाते हुए दिखाई देंगे बल्कि मोहम्मद रफी साहब गाना गाते हुए सुनाई भी देंगे। क्या बात है, सच में? अब क्या लिख के दूं खत में?
वाह नेहा, मजा आ गया ये गाना सुन के। अब अगला गाना जो हम सुनेंगे वो सुनेंगे बरसात की एक रात फिल्म से। अब हम अपने ऑडियंस को पहले ही बता चुके हैं आर्टिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। आज हम बात करेंगे इस फिल्म के मेन कास्ट के बारे में, यानी कि अमिताभ बच्चन और राखी जी। जी हाँ, वैसे तो अमिताभ बच्चन साहब और राखी जी इस फिल्म में हीरो हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हैं, पर एक और फिल्म थी जिसमें ये दोनों ने मदर सन का रोल प्ले किया था। फिल्म शक्ति की बात कर रहे हो? बिल्कुल, वर्सेटाइल एक्टिंग। हाँ बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, बरसात की एक रात का ये गाना सुनते हैं। चलो चलिए।
वैसे तो हमने क्लासिकल बॉलीवुड कपल्स के बारे में बहुत बातें की है, पर एक जोड़ी के बारे में हमने बात नहीं की है और वो है अमिताभ बच्चन और जया भादुरी। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने साथ में कितनी सारी फिल्में की है ना, जैसे अभिमान, शोले, सिलसिला। हाँ, मुझे पता है तुम समझ गए हो। इनफैक्ट अभिमान के बारे में एक और क्लासिक बात है, वो ये कि आर डी बर्मन साहब ने इस फिल्म में क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक को इस्तेमाल किया है और ये वो दौर था जब फिल्मों में वेस्टर्न म्यूजिक बहुत पॉपुलर था और बहुत पसंद किया जाता था। बिल्कुल। और नतीजा देखो, इस फिल्म को गानों के लिए भी स्पेशल अवार्ड्स मिले। बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना। बिल्कुल, चलिए। तो चलिए बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में, आनंद। हाँ, क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना साहब के लिए नहीं बनाई गई थी ये फिल्म? ये फिल्म बनाई गई थी राज कपूर साहब के लिए। इनफैक्ट ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ इसकी कहानी तो बहुत पहले से तैयार थी, लेकिन वो चाहते थे राज कपूर साहब ही इस फिल्म में कास्ट किए जाएं। उन्होंने राज कपूर साहब को अप्रोच किया, लेकिन राज कपूर साहब बहुत व्यस्त रहा करते थे और अपनी व्यस्तता के कारण वो इकट्ठी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल। ऋषिदा ने काफी समय तक वेट किया, कई साल गुजरने लगे और इस रोल के लिए राज कपूर साहब की उम्र जरा ज्यादा होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर वो गए किसके पास? नहीं, राजेश खन्ना साहब के पास नहीं, फिर वो गए किशोर कुमार साहब के पास। अब हुआ यूं कि उस दौरान किशोर कुमार साहब का किसी बंगाली प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा चल रहा था, तो वो घर आए, अपने दरबान से कहा कि बाहर एक बंगाली
वैसे राज कपूर साहब एक एक्टर के तौर पर बहुत व्यस्त थे, ये हमने सुन ही लिया, पर एक डायरेक्टर के तौर पर भी वो एक बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। बिल्कुल, उन्होंने एक फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर, जिसकी अवधि थी 5 घंटे की। 5 घंटे मतलब 5 बार रंगोली देखने जितना। हाँ है ना। हाँ। और वैसे 5 घंटे फिल्म देखूंगा तो भूख लग जाएगी बार बार। बिल्कुल, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उन्होंने 2 इंटरवल भी रखे थे। लेकिन इस फिल्म को लेकर लोगों को कई सारे डाउट्स थे। लोगों का फीडबैक कलेक्ट करने के बाद राज कपूर साहब ने इस फिल्म की ड्यूरेशन को कम भी किया। लेकिन फिर भी जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इतनी पसंद नहीं की गई और राज कपूर साहब को काफी सारा नुकसान झेलना पड़ा। ओहो, लेकिन इस फिल्म के गाने बड़े सुपरहिट थे, तो एक काम करते हैं, इस फिल्म का एक गाना ही सुन लेते हैं। चलो चलिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जग को हंसाने बहरू दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। वैसे राज कपूर साहब को यूं ही शोमैन नहीं कहते। मेरा नाम जोकर में इतना भारी नुकसान झेलने के बावजूद उन्होंने एक और फिल्म बनाई नई तरीके की, और उसका नाम था बॉबी। और बॉबी एक ऐसी फिल्म थी जिससे न सिर्फ पुराने नुकसान की भरपाई हो पाई, बल्कि वो अपने समय की बल्कि आज तक भी बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म्स में से एक मानी जाती है। बिल्कुल, क्या किस्मत पाई है ना उन्होंने। अब भाई बॉलीवुड के तो इतने रंग हैं, इतने गाने हैं कि हमारा बस चले तो रंगोली का ये शो चलता ही रहे। हाँ, लेकिन मेरी बस चली जाएगी। तो नेहा गार्गवा और विशाल मेनन बस यू गए और यू आए रंगोली के अगले एपिसोड में। नमस्कार। सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की।